महामारी के बढ़ते खतरे के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद नीतीश सरकार ने बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन करने का फैसला किया है। कोरोना की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया है, जिसके बाद अब बिहार में 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लेकिन इस बीच सभी इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी, इसकी जानकारी डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने दी है। लॉकडाउन में मालवाहक गाड़ियां चलेंगी, लेकिन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर रोक लगी रहेगी। वहीं बस परिवहन पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन ऑटो टैक्सी साथ ही हाथ रिक्शा चलती रहेंगी। साथ ही जरूरी काम के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी। वहीं बैंक एटीएम मशीन की सुविधा बाधित नहीं होगी, पहले की तरह ही चलती रहेंगी। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,421 हो चुकी है, जिसमें से 12,364 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 134 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि बिहार में अब भी एक्टिव मरीजों की संख्या 4,923 है। न्यूज़ डेस्क।